नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अजय चौहान और जीवास्था आयुर्वेदा चैनल में आपका बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे कोविड-19 के बारे में। कोविड-19 कैसे फैलता है, इसकी कौन कौन से 3 फेज हैं, उन फेजेज में क्या क्या सिम्टम्स डेवलप होते हैं, हॉस्पिटलाइजेशन के बाद डिस्चार्ज क्राइटेरिया क्या है, क्या आपको कोविड-19 RT-PCR टेस्ट दोबारा कराने की ज़रूरत है या नहीं है, आपको कितने दिन होम आइसोलेशन में रहने की ज़रूरत है, कितने दिन क्वारंटाइन में रहने की ज़रूरत है, और आपको कौन कौन सी इन्वेस्टिगेशन करानी चाहिए और कब कब करानी चाहिए और उनकी क्या इम्पोर्टेंस है। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। कोविड-19 फैलता है जब आप किसी ऐसे पर्सन के कांटेक्ट में आते हैं जो कोविड पॉजिटिव हो। आपकी बॉडी के अंदर वायरस एंटर होने से लेकर सिम्टम्स डेवलप होने तक के समय को इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं और ये 14 दिन का होता है, और इसीलिए क्वारंटाइन पीरियड 14 दिन का रखा जाता है, क्योंकि 14 दिन के बाद सिम्टम्स डेवलप नहीं होते। और मैक्सिमम देखा यह गया है, जो मैक्सिमम लोगों को सिम्टम्स डेवलप होते हैं वो या तो day 4 पे होते हैं या day 5 पे होते हैं, और जिस दिन सिम्टम्स डेवलप होंगे हम उसे day 0 कहेंगे। और day 0 से पहले के 3 दिन इसलिए इम्पोर्टेंट होते हैं क्योंकि आप उस दौरान जिन भी लोगों के कॉन्टैक्ट में आए हुए होते हैं आपने ये तकलीफ उन लोगों को स्प्रेड की होगी। अब हम बात करते हैं इसके 3 फेजेस कौन कौन से हैं। तो इसके 3 फेजेस हैं, अर्ली फेज, पल्मोनरी फेज एंड हाइपर इन्फ्लामेटरी फेज। जो अर्ली फेज होती है ये मोस्टली 1 से 5 दिन तक रहती है, उसके बाद प्रोबेबिलिटी होती है कि ये वायरस आपके लंग्स में एंटर कर जाए। और ये पल्मोनरी फेज 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, पल्मोनरी फेज 2A एंड पल्मोनरी फेज 2B। जो फेज 2A होती है इसके अंदर ऑक्सीजन सेचुरेशन कम नहीं होती है, और जो फेज 2B होती है उसके अंदर निमोनिया के साथ आपकी ऑक्सीजन सेचुरेशन भी कम होती है। पल्मोनरी फेज में इन्फेक्शन हमारे लंग्स में जाकर निमोनिया डेवलप करता है, और उसके बाद हमारे लंग्स में जो मिलियंस ऑफ एल्वोलाई होते हैं जहां गैसियस एक्सचेंज होता है, मतलब हम जो एयर इनहेल करते हैं उसके अंदर जो ऑक्सीजन होती है वो हमारे ब्लड में चली जाती है, और हमारे ब्लड के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो एल्वोलाई में आकर हम बाहर छोड़ देते हैं। तो इन एल्वोलाइज में सूजन आना शुरू हो जाता है और इनमें पानी भरना शुरू हो जाता है, जिसके कारण ऑक्सीजन सेचुरेशन फॉल करनी शुरू करती है, और इसी को ARDS कहते हैं, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। और यहीं से हमारी तीसरी फेज शुरू होती है जिसके अंदर ARDS होता है, रीनल फेलियर होता है, मल्टीपल ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट होती है, और धीरे धीरे हमारे एक एक ऑर्गन खराब होने शुरू हो जाते हैं, और इसी फेज को हाइपर इन्फ्लामेटरी फेज कहते हैं। और इस फेज में हमारी बॉडी वायरस से लड़ने के लिए तरह तरह के मैकेनिज्म फॉलो करती है, और इस लड़ाई में वायरस के साथ साथ हमारी बॉडी भी डैमेज होती है, इसीलिए सबसे डेंजरस फेज होती है। अब हम बात करते हैं इन 3 फेजेस में डिसीज कैसे प्रेजेंट होती है। तो जो अर्ली फेज होती है ये जनरली day 1 to day 5 तक रहती है, और इस दौरान जो सिम्टम्स हमें पेशेंट्स में देखने को मिलते हैं वो होते हैं, पेशेंट को हेडेक होता है, पेशेंट को फीवर आ सकता है, तेज़ बुखार हो सकता है, उसके गले में खराश हो सकती है, गले में दर्द हो सकता है, खांसी जुकाम हो सकता है, पेशेंट को लॉस ऑफ टेस्ट हो सकता है, लॉस ऑफ स्मेल हो सकता है, उसे पेट में दर्द हो सकता है, उसे लूज मोशन हो सकते हैं। और देखा यह गया है कि इस फेज में, इस दौरान पेशेंट्स को ज़्यादा तकलीफ नहीं होती, वो स्टेबल रहते हैं। day 5 इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ से या तो आपका रास्ता इम्प्रूवमेंट की तरफ जाता है, आपका फीवर 5-6 डे कम होना शुरू हो जाता है, आपके बाकी सिम्टम्स बाकी लक्षण कम हो जाते हैं, और या day 5 और 6 पे आपका फीवर एकदम से अगर बढ़ जाता है तो ये इंडिकेशन होता है कि आप पल्मोनरी फेज में एंटर कर रहे हैं, और इसी दौरान यानी 5th, 6th, 7th डे आपको सबसे ज़्यादा अलर्ट रहने की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि इसी टाइम पीरियड में सबसे ज़्यादा मेडिसिंस काम करती हैं। और अगर आप इस फेज़ को मिस कर देते हैं तो हो सकता है कि आप इसकी सेकेंड फेज़ यानी पल्मोनरी फेज़ की 2B फेज़ में एंटर कर जाएं, जिसके अंदर निमोनिया के साथ साथ ऑक्सीजन सेचुरेशन भी फॉल करती है। और देखा यह गया है कि सबसे ज़्यादा हॉस्पिटलाइजेशन की रिक्वायरमेंट इसी फेज़ में पड़ती है, 7th डे से 10th डे तक। और अगर 10th डे के बावजूद भी पेशेंट की कंडीशन में सुधार नहीं होता है तो पेशेंट अनफॉर्चुनेटली 3rd फेज़ में एंटर कर जाता है, और इसी फेज़ में सबसे ज़्यादा वेंटिलेटर सपोर्ट की रिक्वायरमेंट पड़ती है, सबसे ज़्यादा डेथ्स यहीं पर होती हैं। और स्टडीज़ में देखा गया है
जो सबसे ज़्यादा इंट्यूबेशन हुई वो डे 14 पे हुई, जो सबसे ज़्यादा डेथ्स हुई वो डे 18 पे हुई, और जो पेशेंट्स यहाँ से रिकवर किए हैं वो डे 22 पे होते हैं। ये तो हमने बात करी उन लोगों की जो हॉस्पिटलाइज होते हैं, जिनकी हालत ख़राब होती चली जाती है तो उनमें डिसीज़ कैसे प्रेजेंट करती है। अब हम बात करते हैं उन लोगों की जो हॉस्पिटलाइज हुए और उन्हें ज़्यादा दिन हॉस्पिटलाइजेशन की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ी, थोड़ी बहुत ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ी, जो माइल्ड टू मॉडरेट केस थे, तो उन लोगों के अंदर जो डिस्चार्ज क्राइटेरिया है वो क्या है? क्या डिस्चार्ज के टाइम पे आपको कोविड आरटीपीसीआर टेस्ट कराने की ज़रूरत है या नहीं है? तो इसके रिगार्डिंग गवर्नमेंट के गाइडलाइंस हैं कि अगर डे 1 ऑफ सिम्टम्स से आज डे 10 हो गया है, पिछले 4 दिन से आपको किसी तरह की ऑक्सीजन की सपोर्ट की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ी है, पिछले 3 दिन से आपको किसी भी तरह की फीवर को रिड्यूस करने के लिए मेडिसिन नहीं लेनी पड़ी है, या पिछले 3 दिन से आपको फीवर नहीं हुआ है, और आपके बाकी सिम्टम्स या तो बहुत कम हो गए हैं या ख़त्म हो गए हैं, तो आपको कोविड आरटीपीसीआर टेस्ट डिस्चार्ज के टाइम पे कराने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप टेस्ट कराते भी हैं तो ये 3 महीने तक पॉजिटिव आ सकता है, क्योंकि आरटीपीसीआर टेस्ट कोविड आरएनए डिटेक्ट करता है, और आरएनए लाइव वायरस पर भी डिटेक्ट कर सकता है, और डेड वायरस के जो पार्टिकल्स होते हैं उनका भी आरएनए डिटेक्ट कर सकता है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब हम बात करते हैं कि हमें कितने दिन आइसोलेशन में या क्वारंटाइन में रहना चाहिए। तो जो ऐसे पेशेंट्स हैं जो अभी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए हैं, तो उन्हें 7 दिन घर में आइसोलेशन में रहना चाहिए और ख़ुद को सेल्फ मॉनिटर करना चाहिए, और उसके बाद विद प्रिकॉशंस वो दूसरे लोगों से मिल सकते हैं। प्रिकॉशन क्या? 2 गज दूरी, मास्क है ज़रूरी। अब हम बात करते हैं ऐसे लोगों के बारे में जो घर में ही रहे, जिन्हें किसी तरह की हॉस्पिटलाइजेशन की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ी, उन्हें कितने दिन होम आइसोलेशन में रहना चाहिए। कुछ स्टडीज़ कहते हैं कि आप आफ्टर 10 डेज आइसोलेशन से बाहर आ सकते हैं, लेकिन आप लंबा पीरियड पकड़ के चलें, आप डे 1 ऑफ सिम्टम्स से लेकर डे 14 तक आइसोलेशन में रहें, और उसके बाद आप विद प्रिकॉशन दूसरे लोगों से मिल सकते हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि हमें कौन कौन सी इन्वेस्टिगेशन करानी चाहिए और कब कब करानी चाहिए और उनकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो पहली इन्वेस्टिगेशन है दोस्तों कोविड आरटीपीसीआर टेस्ट, जिससे हमें पता चलता है कि आप कोविड पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं, और ऐसा भी नहीं है कि ये 100% ही आपको बताएगा कि आप कोविड पॉजिटिव हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आप कोविड पॉजिटिव हों लेकिन ये टेस्ट नेगेटिव आ जाए, फॉल्स नेगेटिव आ जाए, हो सकता है सैंपल कलेक्ट करने वाले ने सैंपल ठीक ढंग से ना लिया हो। तो ऐसे केसेस में जहां फॉल्स नेगेटिव शो हो रहा है, आपके कोविड पॉजिटिव होते हुए भी अगर आपके रिपोर्ट नेगेटिव है, तो वहां एचआरसीटी टेस्ट की इम्पोर्टेंस है टू डायग्नोस कोविड। अब हम बात करते हैं कि आरटीपीसीआर टेस्ट के नीचे जो सीटी वैल्यू लिखी रहती है उसका क्या मतलब है। सीटी वैल्यू का मतलब है साइकिल थ्रेशोल्ड वैल्यू, यह हमें बताती है कि आपकी बॉडी के अंदर वायरस का लोड कितना है, वो ज़्यादा है या कम है। अगर आपकी वैल्यू 35 से ज़्यादा आती है तो आप कोविड नेगेटिव हैं, अगर यही वैल्यू आपको 35 से कम आती है तो आप कोविड पॉजिटिव हैं। ये वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उतना वायरल लोड आपकी बॉडी के अंदर कम होगा, और ये वैल्यू जितनी कम होगी उतना वायरल लोड आपकी बॉडी के अंदर ज़्यादा होगा। वायरल लोड ज़्यादा होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपको तकलीफ सीवियर है, और वायरल लोड कम होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपको कम तकलीफ है। ये डिसीज़ की सीवियरिटी नहीं बताता है, ये केवल आपको यही बताता है कि आप पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं। दूसरी जो हमारी इन्वेस्टिगेशन है वो है एचआरसीटी, इसकी इम्पोर्टेंस है दोस्तों कोविड को डायग्नोज करने में, न्यूमोनिया को डिटेक्ट करने में, और न्यूमोनिया कौन सी फेज़ में है, अर्ली फेज में है, लेट फेज में है, या रिजॉल्विंग फेज में है, ये पता करने में। तीसरी इसकी इम्पोर्टेंस है दोस्तों डिसीज़ की सीवियरिटी पता करने के लिए, जो हमें सीटी स्कोर से पता चलती है। सीटी स्कोर हमें 25 में से दिया जाता है। हमारी दोनों लंग्स के अंदर 5 लोग होते हैं, उनके अंदर कितने परसेंटेज ऑफ लंग्स इन्वॉल्वड हैं उसके बेसिस पे ये स्कोर दिया जाता है। ये कैसे दिया जाता है ये हमें जानने की ज़रूरत नहीं है, हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट है कि अगर ये वैल्यू 7 से कम है तो आपको माइल्ड प्रॉब्लम है, अगर ये वैल्यू आपकी 8 से 17 के बीच में है तो आपको मॉडरेट प्रॉब्लम है, और अगर ये वैल्यू आपके
ग्रेटर देन 18 है तो आपको सीवियर प्रॉब्लम है, आपके लंग्स का काफ़ी हिस्सा इन्वॉल्व हो चुका है। अब बात आती है कि आइडियल टाइम क्या है सीटी चेस्ट कराने का। तो इसका आइडियल टाइम है या तो आपकी ऑक्सीजन सेचुरेशन फुल कर रही हो, या आपका सांस फूल रहा हो, या आपको एग्जर्शनल हाइपोक्सिया हो रहा है, चलने से आपकी ऑक्सीजन सेचुरेशन कम हो रही हो, या आफ्टर 5 डेज कराना चाहिए। उस दौरान मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी रहती है कि कोविड चेंजेस आपके सीटी चेस्ट में शो होंगे। अगर आप 5 दिन से पहले कराते हैं तो ये मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी रहती है कि कोविड पॉजिटिव होते हुए भी सीटी चेस्ट में किसी तरह के कोई चेंजेस शो नहीं होंगे। इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है दोस्तों कि आप 5 दिन से पहले ये करा ही नहीं सकते। अगर आपके अंदर सिम्टम्स हैं और आपके डॉक्टर आपको एडवाइस करते हैं तो ये आपको 5 दिन से पहले कराना चाहिए। अब हम बात करते हैं तीसरी इन्वेस्टिगेशन जो है एक्सरे चेस्ट। ये सीटी स्कैन से इन्फीरियर टेस्ट है। सीटी स्कैन में जो कोविड चेंजेस ऑन डे 5 दिख जाते हैं वही चेंजेस एक्सरे चेस्ट में 7th to 8th day अपीयर होते हैं। और एक्सरे चेस्ट में जो भी ओपेसिटी शो होगी या जो भी न्यूमोनिया पैच शो होगा उसमें हमें ये नहीं पता लग पाता कि ये अर्ली फेज में है, लेट फेज में है या रिजोल्विंग फेज में है, जो हमें सीटी चेस्ट से बेहतर पता चल सकता है। तो अगर आप किसी कारणवश सीटी चेस्ट नहीं करा पा रहे हैं या आपके आसपास ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है तो आप एक्सरे चेस्ट भी करा सकते हैं, लेकिन 7 से 8 दिन के बाद में या एज़ पर योर डॉक्टर एडवाइस। अगर आपके डॉक्टर इसे पहले कराने की सलाह देते हैं तो ये आपको पहले करानी चाहिए। अब हम बात करते हैं इन्फ्लामेटरी मार्कर्स के बारे में जो हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है इन रिस्पॉन्स टू इंजरी इन्फेक्शन, और ये हैं ESR, CRP, D-dimer, ferritin level, LDH level। ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ कोविड में ही इंक्रीज़ होते हैं, ये दूसरी बीमारियों में भी इंक्रीज़ होते हैं, लेकिन कोविड में इनकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा है और मेनली CRP की, जिसका मतलब है सी रिएक्टिव प्रोटीन। जनरली ESR और CRP वायरल इन्फेक्शन में नहीं बढ़ते, लेकिन कोविड में बढ़ रहे हैं। ESR और CRP बढ़ने का मतलब है कि हमारी बॉडी के अंदर डैमेज हो रहा है। अब हम बात करते हैं CRP की नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है। अगर ये वैल्यू 6, 8 और 10 से कम है तो हम इसे नॉर्मल कहेंगे, डिपेंडिंग अपॉन द लेवल। अगर ये वैल्यू लेस देन 26 है तो हम कहेंगे माइल्ड कोविड है। अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन 26 और अप टू 100 तक है तो हम कहेंगे मॉडरेट कोविड है। और अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन 100 है तो हम कहेंगे सीवियर कोविड है। अब हम बात करते हैं जो अदर इन्फ्लामेटरी मार्कर्स हैं, जैसे डी डाइमर है, फेरिटिन है, LDH है। तो इनके बढ़ने से हमें एज ए डॉक्टर पता चलता है कि डिसीज़ की सीवियरिटी कितनी है। डी डाइमर ब्लड क्लॉट्स को डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है, और जब ब्लड क्लॉट्स ब्लड के अंदर घुलते हैं तो वो जो प्रोटीन फ्रेगमेंट्स रिलीज करते हैं उन्हें हम डी डाइमर कहते हैं। LDH लेवल हमें टिश्यू इंजरी के बारे में बताता है। तो इन सब से हमें पता चलता है कि डिसीज़ की, बीमारी की गंभीरता कितनी है। और ये कब कराने चाहिए तो ये डिपेंड करता है आपके डॉक्टर के ऊपर, आपके डिसीज़ की सीवियरिटी के ऊपर और आपके सिम्टम्स के ऊपर। आज के लिए इतना ही दोस्तों, और अगर आपने लास्ट तक ये वीडियो देखी है तो आपके पेशेंट्स के लिए थैंक यू वेरी मच। मेरी आप सभी लोगों से एक अपील है कि अगर कोई ज़रूरी काम ना हो तो घर पर ही रहें, और अगर बाहर जाना भी पड़े तो मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, सैनिटाइज़र का यूज़ कीजिए, भीड़ वाली जगह पर जाने से बचिए। अगर आप ये प्रिकॉशन फॉलो करते हैं तो आप एक मेजर रोल प्ले कर सकते हैं इस क्राइसिस की सिचुएशन में। घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बस गाइडलाइंस फॉलो कीजिए। ये भी एक फेज़ है जो निकल जाएगा। जैसे ही आपको तेज़ बुखार होता है, सांस लेने में दिक्कत होती है, घुटन होती है, ऑक्सीजन लेवल कम आता है, तो तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए। लापरवाही बिल्कुल भी ना करें। अगर आपको लगता है कि मेरी इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला है तो मेरे इस चैनल जीवास्था आयुर्वेदा को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए। अगर आपको कुछ डाउट्स हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं उनको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।